इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेलकम। सबको पता है कि लालू सर को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ कि लालू सर जो पहला इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो वहां पे सर कोच और मैनेजर दोनों थे, और वहां से इंडियन टीम में एक क्रिकेट में एक बदल आ गया, तो वहां से एक इंडियन क्रिकेट में एक बदल आ गया था, और वहां से सर ने एक साल इंडियन टीम के साथ थे। और सबको बताओ कि लालू सर ने BCCL Level 3 में टॉप किया था, तो वहां पे सब बड़े बड़े इंडियन क्रिकेटर्स थे, और सर ने इंडिया U19 इंडिया ए, और अभी जिम्बाब्वे के करंट हेड कोच है, अफगानिस्तान को भी उन्होंने बहुत हेल्प किया, उनका जो प्रेस हुआ है उसमें उनका बड़ा हाथ है, और अभी सर ने बीच में कनाडा में T20 टूर्नामेंट था वहां पे भी सर हेड कोच थे। तो वेलकम सर, होप यू आर डूइंग वेल। यस, सब ठीक है, बढ़िया। लॉकडाउन में गर्मी ही है, घर में रहो और स्वस्थ रहो, सबसे इम्पोर्टेंट। तो सबको एक मैसेज मिल गया कि सबको घर में रहना जरूरी है, क्योंकि मुंबई में तो ज्यादा है, तो स्पेशली मुंबई और ठाणे जो भी मुंबई के पास वाले है, तो ट्राई करो जितना टाइम निकाल सको, फिटनेस करो। और लालू सर आप क्या करते हो लॉकडाउन में? सी, एक अच्छा टाइम है प्लेयर लोगों को कि अपने आप के ऊपर टाइम देने के लिए। जब लाइफ चलती है तो हम लोग काफी बिजी होते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग होता है, ट्रेन से आना है, ये 8:50 का ट्रेन पकड़ना है, भागो फिर वापस ट्रेन पकड़ना है, तो हमारी लाइफ एक मैकेनिकल हो जाती है। लेकिन अभी लॉकडाउन का हिसाब से यस, हम लोग घर पे हैं, तो एक अच्छा वक्त मिला है, तो मुझे लगता है कि प्लेयर लोग ट्रेनिंग घर में करें, योगा करें, स्ट्रेचिंग करें, और जैसे कि बैट्समैन है तो जैसे हम लोग पुराने जमाने में करते थे, स्टॉक बॉल सॉक्स में डाल के नॉकिंग करो घर पे, टेनिस बॉल से घर में खेल सकते हैं, जैसे डिफेंस सॉफ्ट हैंड, ऐसे काफी चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं, तो ये टाइम यूटिलाइज करो। मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छा टाइम है यूटिलाइज करने के लिए। यस, लॉकडाउन काफी लंबा हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, कि गवर्नमेंट का जो भी नोटिफिकेशन है हमको वो पालन करना है, बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं कि बाहर मत जाओ, अननेसेसरी बाहर मत जाना, अगर जरूरत है जैसे कि ग्रोसरी, वेजिटेबल्स और मेडिकल, उसके लिए जाना। जब भी जाओगे मास्क पहन के जाना, आने के बाद आप साबुन या यू नो इससे हाथ धोना, नॉर्मल साबुन से भी धो सकते हैं, अल्कोहल फ्री से भी धो सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से धोना, जैसे कि वो कहते हैं कि 20 सेकंड तक धोना चाहिए ताकि जो भी वायरस है वो मर जाए। तो ये जो चीजें हैं आप प्लीज पालन करिए, और देखो लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है। सर आप अभी, मैंने देखा आपके फोटोज देखी इंस्टाग्राम में, आप ट्रेनिंग भी कर रहे थे, तो अभी आपका एज मैंने देखा 58 है, तो आपको क्या मतलब ये एज में क्या मोटिवेशन है आपका? जी, सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने एक यू नो पैशन से गेम लिया है, और जब पैशन से गेम लिया है तो उसको आपको अच्छी तरह से निभाना है। जैसे कि मैं अभी कोचिंग करता हूं, तो कोच भी फिट होना मेरे हिसाब से जरूरी है। मुझे लगता है कि कोई कोच ऐसा पेट निकाल के खड़ा रहो, और प्लेयर लोग क्या मोटिवेट होंगे वो कोच को देख के, और वो कोच उनको क्या बताएगा, अगर वो कोच खुद अनफिट है तो उनको फिटनेस के बारे में क्या बताएगा। तो इसी हिसाब से मैं पहले से ही फिटनेस के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान देता हूं, और अभी भी मैं थोड़ा बहुत करता हूं मेरे एज के हिसाब से, और ये एक अच्छी बात है कि अगर आप फिट रहे तो काफी चीजें आसानी हो जाती है, क्योंकि हम लोगों को फील्डिंग प्रैक्टिस देना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, अगर आप फिट नहीं हो तो आप वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाओगे। सो एज अ कोच आई थिंक प्लेयर्स के साथ आपको भी फिट रहना जरूरी है, प्लेयर्स के उतना फिट नहीं लेकिन आपके एज के हिसाब से डेफिनेटली फिट रहना बहुत जरूरी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है सब कोचेस के लिए, जो भी देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपको भी फिट रहना जरूरी है, अगर आप फिट रहोगे तो प्लेयर्स मोटिवेट होते और वो और मेहनत करते हैं फिटनेस और बाकी जो भी क्रिकेट है उसके लिए। तो सर आपका क्रिकेट जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ, अगर आप बताएंगे हमें? सी, देखो मैं स्कूल में कभी क्रिकेट खेला नहीं, आजकल हैरिस शील्ड गाइल शील्ड तो बहुत है, इंपॉर्टेंट है लोगों को, लेकिन मैं सेंट्रल स्कूल में था जहां पे हमारे वहां क्रिकेट नहीं था। लेकिन मुझे एक, मैं तो कहूंगा कि लकी रहा कि जब वो समर वेकेशन कैंप होते ना,
अभी भी चलते हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के, तो हमारे वहाँ आरसीएफ में कैंप लगा था, तो तभी किसी ने हमको बताया कि आचरेकर सर वहाँ कोचिंग करते थे, क्यों नहीं आप जाते। तभी तो हम लोग टेनिस बॉल से ही खेलते थे, हमारे स्कूल में कभी क्रिकेट नहीं था, हम लोग नाइन्थ में थे तभी। तो बोला चलो हमारा लक ट्राई करते हैं, हम लोग वहां से चल के, मैं बीआरसी कॉलोनी में रहता था, हम लोग वहां से चल के गए चार पांच लोग, बोला अगर सेलेक्ट हो गए तो हो गए। तो हम लोग गए, उसमें से हम तीन लोग सेलेक्ट हो गए, पता नहीं आचरेकर सर ने क्या देखा हमें, मैं मृदुल चतुर्वेदी और स्वपन मित्रा हमारे कॉलोनी से, काफी लोग हम लोग गए थे ग्रुप करके, क्योंकि ग्रुप में मजा आता है जाने के, फर्स्ट टाइम था। तो आचरेकर सर ने बोला आप कौन से स्कूल में, तो हमने बोला स्कूल तो क्रिकेट खेलते नहीं है। तो बोला कि नहीं नहीं आप अच्छा टैलेंट है, आप क्यों नहीं शारदाश्रम में आते, सर का एक ही था कि शारदाश्रम में। मैंने कहा कि सर हमारा दिल्ली बोर्ड है, इंग्लिश मीडियम है, और अभी बोर्ड एग्जाम है नेक्स्ट ईयर, तो हम तो आ नहीं सकते, लेकिन आप चाहिए तो घर पे आके पिताजी से बात करो। तो वो आए मेरे पिताजी से करने की कोशिश की, पिताजी ने बोला नहीं आपको जो कुछ करना है 10th के बाद करो, क्योंकि 10th के बाद एज इट इज ही विल बी गोइंग टू महाराष्ट्र बोर्ड, यू नो 11th। तो फिर मैं एक साल, सर ने भी मुझे एसएसएनएम में बुलाया उनके वहाँ क्लब से खेलने के लिए, तो हम लोग नाइन्थ में था तब, 9th और 10th में, तो मैं एसएसएनएम से खेला, और बाद में 10th के बाद फिर मुझे वापस सर ने बुलाया और मुझे रुइया कॉलेज में ले गए कि क्रिकेट का कॉलेज है, आप पढ़ाई में भी अच्छे हैं तो क्रिकेट के साथ अच्छा खेलेंगे। तो फिर मैं रुइया कॉलेज में एडमिशन लिया और 11th स्टैंडर्ड से मेरा क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुई। ओके, तो सर आपका मुंबई क्रिकेट का क्या एक्सपीरियंस है आपका, मतलब आपको क्या सिखाया है मुंबई क्रिकेट ने, जो मुंबई क्रिकेट में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स इंडिया के लिए खेले, तो आपको क्या डिफरेंस लगा वो टाइम में? सी मुंबई टीम, मैं तो कहूंगा कि बहुत डिफिकल्ट था मुंबई टीम में जाना, और इजी था इंडियन टीम में पहुंचना, क्योंकि मुंबई में इतने स्टॉलवर्ट थे, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे, और जिसको चांस मिलता है वो कभी छोड़ेगा नहीं, तो नेक्स्ट प्लेयर आएगा ही नहीं, तो इसलिए डर भी लगता था, कोई अगर इंजर्ड भी थोड़ा होता तो बाहर नहीं बैठता था, बिकॉज उसको पता है कि अगर सपोज मैं बाहर बैठा नेक्स्ट आ गए और वो मेरा चांस ले लेगा। तो एक खड़ूस एटीट्यूड जो है कि जब भी मौका मिले आपको छोड़ना नहीं है, और बड़े बड़े प्लेयर जैसे अशोक मानकर थे तभी मेरे फर्स्ट कैप्टन जब मैं डेब्यू किया, बहुत ही बढ़िया कप्तान थे, बहुत ही श्रूड कैप्टन थे, उससे काफी चीजें सीखने मिली। फिर सुनील गावस्कर, वेंगसरकर और शास्त्री, ये सब साथ में खेले हमारे, तो एक मुंबई टीम में आना ही एक बड़ी बात थी, और ड्रेसिंग रूम इन बड़े बड़े लोगों के साथ शेयर करना, इनके तभी सुनील गावस्कर वॉज आइकॉन, यू नो इन लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, इन लोग कैसे खेलते हैं, इन लोग कैसे मेंटल प्रिपेयर करते हैं, मैच के पहले प्रोसेस क्या करते हैं, तो ये सब देख, पहले कोचेस तो कोई नहीं थे, एक मैनेजर होता था और कोचिंग कुछ नहीं होता, आपको देख के सीखना था, है ना। तो हम लोग उनको देख के सीखे, फिर उन लोग उनके एक्सपीरियंस शेयर करते थे तो कि हम लोग कैसे खेलते हैं, और तभी कैसा था कि आजकल तो मैं देखा हूं कि प्लेयर लोग मैच के बाद मिलते ही नहीं है, अपने अपने व्हाट्सएप और मैसेजेस में, इंस्टाग्राम में बिजी होते हैं, वहां पे कंपलसरी था मैच होने के बाद एक सब माहौल बैठते थे, होटल में भी हो गए, बाहर भी मैच खेलते हैं तो सब लोग साथ में खाना खाते थे, लेकिन उसके पहले सब साथ में बैठते थे और डिस्कस करते थे कि कल क्या करना है, आज का दिन कैसा गया, कल कैसे हम लोग को करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो ये सब एवरीडे डिस्कस होता। अभी तो वो सब होता नहीं है, लेकिन आजकल वीडियो एनालिसिस आ गया है, सब काफी चीजें टेक्नोलॉजी से आ गई है, तो एनालिसिस करते हैं सब पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सामने वाले की, तो क्रिकेट थोड़ा बदलाव तो हुआ है, लेकिन मुंबई टीम का जो कल्चर था वो बहुत ये था, क्योंकि कोई भी नया खिलाड़ी है उसको अच्छा वेलकम करता है, ऐसा नहीं था कि कोई ग्रुपिज्म होगा, और इस माहौल से हम लोग ने खेल के बाहर आए, तो एक अच्छा माहौल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है मुंबई रणजी ट्रॉफी के लिए, और इसीलिए अपनी टीम काफी स्ट्रांग होगी। आप भी मुंबई के लिए खेले, आपको भी थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ होगा, लेकिन जो लेगेसी है वो लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करना है। उसके बाद सचिन तेंदुलकर आ गए, विनोद कांबली आए, फिर अभी अजिंक्य रहाणे है, रोहित शर्मा है, तो काफी टेस्ट प्लेयर्स मुंबई से आते गए हैं, लेकिन जो दबदबा था पहले मुंबई का वो दबदबा अभी थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि बाकी टीम काफी स्ट्रांग होती जा रही है, और मुझे लगता है कि हम लोग मुंबई प्लेयर्स पास ग्लोरी पे ज्यादा है कि अरे हम लोग इतने बार जीते तो हम लोग कोई ढहरा नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए आपके स्किल के लिए, और मुझे लगता है कि ये जो नॉलेज है क्रिकेट नॉलेज, यू आर नेवर मास्टर, यू आर ऑलवेज लर्निंग, सेम एज कोच। अभी मेरा 25 साल का कोचिंग एक्सपीरियंस हो गया, मैंने अंडर 15 से स्टार्ट किया, अंडर 19, 18, स्टिल आई एम लर्निंग। तो ये क्रिकेट जो ऐसे चीज है कि आप कभी मास्टर हो ही सकते, जैसे कि अभी सचिन तेंदुलकर भी इतना आइकॉन था,
अभी विराट कोहली का एलजी एग्जाम्पल, ही इज एन आइकॉन, बट वो भी 100-150 आउट ही होता है ना, वो ऐसा नहीं कि 500 रन बनाएगा 1000 रन बनाएगा, ऐसा कभी होता नहीं क्रिकेट में। तो जब वो आउट होता है तो वो नेक्स्ट टाइम वो वैसे आउट नहीं होने के लिए वो प्रैक्टिस करता है, सो दैट मीन्स ही इज ऑल्सो लर्निंग। तो इसीलिए क्रिकेट आई थिंक यू शुड ऑलवेज टेक इट एज अ एक किताब है, बुक है, कि आप हमेशा वो पन्ना एक ही पन्ना सेम बात नहीं दोहरा सकता है। तो इसीलिए सीखने का आपके उत्साह रखो, और हर बार सीखने के लिए आप पहले ये होना चाहिए कि मुझे सीखना है, ऐसे नहीं कि मुझे सब कुछ आता है। तो देन जब कोई प्लेयर समझता है कि मुझे सब कुछ आता है, उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चीजें सीखने मिली मुंबई क्रिकेट से, इसीलिए काफी मुंबई प्लेयर्स इंडिया के लिए खेले और इतने स्ट्रांग थी मुंबई टीम, और मुझे लगता है कि फिर से वो वापस आना चाहिए, और मैं पूरा विश्वास से कहता हूं कि वो आएगा जरूर। एक साइकिल होता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम भी एक टॉप पे थी, वेस्ट इंडीज टीम भी टॉप पे थी, और वो नीचे आके फिर वापस आई, ऑस्ट्रेलियन फिर वापस आई, तो वैसे भी मुंबई टीम भी जरूर वापस आएगी। ओके सर, सर रमाकांत आचरेकर सर के बारे में आप जरा कुछ कहोगे, क्योंकि मेरे एज के जो भी लड़के उन्होंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया उनका कोचिंग का भी, तो आपके जमाने में बहुत सारे प्लेयर्स इंडिया के लिए खेले हैं, तो उनका कोचिंग स्टाइल कैसे था जरा बताएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो कभी इम्पोज नहीं करते थे कि ऐसे ही खेलना है या ऐसे ही टेक्निक, हर एक का नेचुरल एबिलिटी है, उस नेचुरल एबिलिटी में वो कहते थे कि आपको इसमें कैसे आप अच्छा कर सकते हैं वो आप करो। जैसे कि सचिन तेंदुलकर बैट हैंडल एकदम बॉटम में पकड़ देते, तो अगर दूसरा कोई कोच बोलता कि नहीं ये नहीं चलेगा, आप उस ऊपर पकड़ो बीच में पकड़ो, यू नो, जो कि नॉर्मल कोचिंग है, सब थिंग कोचिंग के हिसाब से नहीं होता है, कुछ कुछ नेचुरल चीजें भी होती हैं, उसको आपको नेचुरल चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। आचरेकर सर के पास काफी प्लेयर्स जैसे कि रामनाथ पारकर, बलविंदर सिंह संधू, मैं, पंडित, सुभाष क्षीरसागर, उसके बाद आए प्रवीण आमरे, अमोल मुजुमदार, आप नाम लिख लो, काफी प्लेयर उसने मुंबई के लिए तो दिया ही है लेकिन इंडिया के लिए भी दिया है। और वो एक ही मानते थे कि मैच प्रैक्टिस बहुत देते थे हम लोग को, है ना, मैच में खेलने गए और वो क्या चुपके से देखते थे ना, वो कभी बताते नहीं थे कि वो मैच देखने आए, वो झाड़ के पीछे खड़े होते थे देखते थे, और फिर मैच के बाद अगेन वो सबको खड़ा करते लाइन से। आई थिंक आप भी एक्सपीरियंस किए होंगे, आई डोंट नो, तो दोनों टीम को जो भी प्रैक्टिस मैच होता है टीम को, दोनों टीम को ऐसा खड़ा करते थे और बीच में खड़ा होते थे और फिर पूछते थे क्या हो गया, अच्छा सपोज मैं बैट आप कैसे आउट हो गए, तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं सर ने देखा नहीं, सर मैं गलत शॉट मार दिया, तो बोला गलत शॉट क्यों मारा, नहीं वो विकेट थोड़ा स्लो था, स्लो आ गया इसलिए ऊपर गया, अच्छा विकेट स्लो था तो आप खेले तक पता नहीं चला आपको, 20 रन के बाद विकेट स्लो कैसे पता चला, दैट मीन आपने गलत शॉट खेला है। तो वो हमेशा आपको दोष देते थे, बोला विकेट अंपायरिंग इसके ऊपर कभी भी नहीं ये करना है, बिकॉज दे आर अनकंट्रोलेबल, आपके हाथ में जो है वो आपको कंट्रोल करो, ताकि अगर मैं एलबीडब्ल्यू आउट हो गया एक बार, तो मैं तो कहूंगा कि हम लोग मैच खेले थे, पंडित ने एक्रॉस खेला, लेग साइड में बहुत खेलते थे, तो हम लोग को ये खड़ा किया प्रैक्टिस मैच के बाद और पूछा कि क्या हो गया चंदू क्या डाला, नहीं सर आउट नहीं होता, आउट दिला अंपायर ने, उसने एक कान का नीचे फटाक से दिया, बोला परत कभी बोला नहीं कि अंपायर ने आउट दिला, तू एक्रॉस का खेललास। तो उससे हमको लर्न किया कि नेक्स्ट टाइम एक्रॉस नहीं खेलना, बैट से खेलो, आपके पास बैट दिया है। तो ऐसे हमने भी काफी मार खाए हैं कि गलत अगर करते तो रनआउट होता तो बहुत, कभी कभी तो राउंड होते थे तो टेंट में ही नहीं जाते थे, वहां से बाहर से होता क्योंकि वो टेंट में बैठे होते थे ना, और रनआउट हुआ मतलब इट्स अ क्राइम, वो कहते कि रनआउट हुआ मतलब आपका गलती से हुआ, क्योंकि आपको मुंह नहीं, अपन कभी बोलते ना सर उसने कॉल दिया तो आपने क्यों नहीं चेक किया कि रन होगा कि नहीं, तो आपने रेस्पॉन्ड किया दैट मीन्स आप गए ना, तो आप पहले ही बोलना था कि नहीं करके। तो काफी चीजें वो हैंड्स ऑन कोचिंग करते, वो बहुत प्रैक्टिकल कोच थे नो, और उससे हम लोग काफी चीजें सीखने मिली नो, कि मैच में विकेट नहीं फेंकना, 40-50 के बाद आउट नहीं होना, फिर बाद में बड़े रन्स करना, यू नो, और वो काफी मैच प्रैक्टिस से आती थी नो, जैसे अभी आजकल हम लोग कहते हैं उसको नया टर्म दिया मैच सिमुलेशन, यू नो, तो पहला मैच, हाँ तो मैच प्रैक्टिस काफी खेलते थे। यू वोंट बिलीव समर वेकेशन में हम लोग कम से कम अभी सपोज 20 दिन की कैंप होगा ना, तो 15 दिन मैच खेलाते थे। हाँ तो मैच प्रैक्टिस से काफी सीखने मिलता है, ऐसा बॉलर्स को भी सीखने मिलता है, और विकेट कैसे लेना है पाटा विकेट पे, क्योंकि हर टाइम विकेट तो अच्छा नहीं होती है ना, तो ऐसा अच्छा है कि यू नो
कि आप मैच में सीखो, मैच से सीखो कि ये विकेट मुझे कैसा विकेट। ऐसे काफी बॉलर को भी सर ने थप्पड़ मारा है, वो बोलते ना कि सर आज एकदम विकेट पाटा होती स्विंग बॉलिंग ला काय ने, ते काना खाली कि काय ने तो मैं खेलू ना क्रिकेट छोड़ू ने घरी और कैरम का यू नो। तो ऐसा उनका ये था। तो एंड वो विकेट अगर सब हम बाहर जाएंगे सब, वो कहते थे कि आप सब रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं बाहर का टीम जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं कोई तो वो चेन्नई जा रहे हैं, चेन्नई में आपको देखा टर्निंग विकेट क्या, तो आप मैच नहीं खेलोगे, आपको खेलना ही। तो आप ऑप्शन देखो ना उसमें मैं कैसे विकेट ले सकता हूँ, उसमें मैं कैसे अच्छे रन कर सकता हूँ। तो वो काफी हमने सीखने मिला और मुझे लगता है कि वो खूब प्रैक्टिकल कोच थे, बुक थ्योरी इतना नहीं बताते थे लेकिन प्रैक्टिकल बहुत थे। ग्रेट ग्रेट ओके। तो अभी आपका कोचिंग का जर्नी मतलब कौन से हिस्से आपने स्टार्ट किया? मैं रिटायर हो गया 98-99 में बिकॉज आई प्लेड फॉर विदर्भ ऑल्सो लेटर ऑन, पांच साल हम लोग मुझे एज ए प्रोफेशनल लिया। तो मैं 98 को रिटायर हुआ 98, 2000 में मैं फर्स्ट टाइम अंडर 15 का कोच बना इंडिया का, और उसमें अजिंक्य रहाणे थे, पीयूष वाला कैप्टन था, हम लोग शारजा गए थे। और उसके बाद फिर 2001 में तब से मेरी कोचिंग जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर बाद में मैं मुंबई का कोचिंग किया एक साल, फिर बाद में मैंने अंडर 19 मुझे कोचिंग मिला 2006 से, तो 2006-2007 मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो मुझे सीनियर टीम का 2007 में वर्ल्ड कप में चांस मिला T20, उधर से हमने वर्ल्ड कप जीते। उसके बाद आया फिर हम लोग, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, सीबी सीरीज जीता, पर्थ टेस्ट मैच जीता, कभी इंडियन टीम जीती नहीं है, सीबी सीरीज अभी तक जीती नहीं है इंडियन टीम, इतना स्ट्रांग होने हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जीता। और उसके बाद फिर मुझे ए टीम दिए बिकॉज गैरी कस्टन टुक ओवर एज कोच, तो मुझे फिर ए टीम दिया, चार साल में ए टीम था 2009-10-11-12-13 तक। पर ए टीम में फिर मेरा कोचिंग काफी प्लेयर्स लोग के साथ रहा, हम लोग काफी सीरीज जीते, एक भी सीरीज हारा नहीं, उसमें भी वेस्ट इंडीज गए वेस्ट इंडीज जीते, साउथ अफ्रीका गए साउथ अफ्रीका जीते, न्यूजीलैंड गए न्यूजीलैंड जीते, ऑस्ट्रेलिया गए ऑस्ट्रेलिया जीते, एवरी ईयर एक एक टूर होता था पहले। वहां पर से बाद फिर मुझे अफगानिस्तान ने अप्रोच किया 2016 में, तो अफगानिस्तान का कोचिंग किया। जब मैं अफगानिस्तान कोचिंग लिया तो लोग हंसते थे, अरे अफगानिस्तान का कोई क्रिकेट टीम है या उधर कैसे जाओगे, वो तो वॉर जोन कंट्री है, तो लोग हंसने लगे। फिर मैं बोला कि नहीं मैं तो वहां नहीं जाऊंगा, मैं इंडिया में कर रहा। उनको ग्राउंड दिया था बीसीसीआई ने नोएडा में, तो वहीं कोचिंग किए। तो उनको उन लोग खाली T20 और वनडे खेलते थे, दे आर ओनली पावर प्लेयर। तो मैंने उनके बात किया, मैंने बोला देखो आप लोग क्रिकेटर करके T20 प्लेयर करके कोई आपको जानेंगे नहीं वर्ल्ड में, आपको जानेंगे टेस्ट प्लेयर करके, और टेस्ट प्लेयर इज द रियल टेस्ट ऑफ अ क्रिकेटर। तो आप लोग टेस्ट अटेंड करने के लिए, फिर हम लोग ने वहां पे मीटिंग की और तब से हमने डिसाइड किया कि हमको टेस्ट प्लेयर बनना है तो क्या करना है। बोला कि टेस्ट प्लेयर बनना है तो आपको ICC को बोलना है कि हम रेडी है और हम एक भी सीरीज नहीं हारेंगे यहां से। यू वोंट बिलीव, अफगानिस्तान जब से मैंने लिया फर्स्ट सीरीज हम लोग खाली बांग्लादेश से हारे, उसके बाद हमने 1.5 साल पौने 2 साल में एक सीरीज नहीं हमने हारा। हम लोग क्योंकि वो लोग एसोसिएट से खेलते थे, जैसे कि स्कॉटलैंड आयरलैंड हॉलैंड फिर बांग्लादेश था बीच में और ओमान UAE आप यू नेम इट यू नो PNG, तो हम लोग सबको हराए। देन मैंने उनको कहा कि नाउ वी आर विनिंग ऑल द टाइम, आप ICC को वापस अप्रोच करो, बोलो कि हम लोग इतने साल से जितने हमको टेस्ट स्टेटस देना चाहिए। और देन ICC हैड नो चॉइस बट टू गिव अस टेस्ट स्टेटस, और मुझे लगता है कि टेस्ट स्टेटस की उधर से उनका ये भी बढ़ गया क्योंकि अभी काफी टीम यू नो मतलब टेस्ट प्लेइंग कंट्री से खेले, तो लिए कोचिंग का एक्सपीरियंस था। तो कोचिंग का एक्सपीरियंस काफी हेल्पफुल होता है क्योंकि आप काफी अलग अलग प्लेयर से आप डील करते हैं। इंडियन टीम में सचिन तेंदुलकर बिग थ्री गांगुली द्रविड लक्ष्मण कुंबले माही, इनके साथ काम करने के बाद देन इट बिकम्स इजियर टू वर्क विद अदर कंट्री प्लेयर्स, बट इट्स अ चैलेंज बिकॉज आप कोई भी अलग कंट्री लो तो एक चैलेंज होता है क्योंकि उनका कल्चर अलग होता है, उनका अंडरस्टैंडिंग अलग होता है। जैसे अपने वहां हम लोग खड़ूस प्लेयर बोलते हैं, उनको खड़ूस कुछ पता नहीं होता है, वो बोलते हैं बस जाके पावर गेम मारो मैं इसको डोमिनेट करूंगा। तो उन लोग दे आर हैप्पी इन गेटिंग क्विक 50-60 यू नो 20 बॉल 25 बॉल 50 किया तो दे आर हैप्पी। बोला कि नहीं दैट इज गुड फॉर शॉर्टर फॉर्मेट बट आपको तीनों फॉर्मेट से होना चाहिए, तो आप स्किल लेवल इंप्रूव करो, अगर आपका स्किल लेवल अच्छा है तो आप तीनों फॉर्मेट में आप एडजस्ट कर सकते हो। सो दैट इज अ जर्नी। नाउ जिम्बाब्वे उसके बाद आ गया, जिम्बाब्वे इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट कंट्री आई वुड से बिकॉज उनका कल्चर टोटली डिफरेंट है। वंस अपॉन अ टाइम दे वर अ वेरी गुड फील्डिंग साइड, दे वर यू नो वेरी गुड यू नो क्रिकेट प्लेइंग नेशन,
बट उनका इकोनॉमी एंड देन देयर बोर्ड हैव प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सो दे हैव गॉन डाउन. बट इट्स अ चैलेंज फॉर मी कि मुझे वापस लाना है. अगेन उनका भी यही प्रॉब्लम हुआ था कि दे नेवर क्वालिफाई फॉर 2019 वर्ल्ड कप. सो 2018 तक मैं अफगानिस्तान का साथ था. तो वंस दे गॉट टेस्ट स्टेटस देन दे वॉन्टेड मी टू कम टू काबुल. सो आई सेड कि मैं तो नहीं आऊंगा. सो आई सेड कि ना आप टेस्ट प्लेयर हो गया, तो देन आई लेफ्ट इट. द मोमेंट दैट द प्रेस केम, द रिलीज केम इन द प्रेस, नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम जिम्बाब्वे. दे सेड कि सर वी आर लुकिंग फॉर कोच बिकॉज वी आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप. सो दे हैड सेक्ट ऑल देयर कोचेस एंड दे रेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन अफगानिस्तान. सो आई सेड ओके, फर्स्ट आई विल हैव अ लुक फॉर 2-3 मंथ्स की कल्चर से प्लेयर्स अभी रैपो बढ़ना है, वेदर दे लाइक मी और नॉट. सो आई वेंट ऑन अ 3 मंथ बेसिस. बट आफ्टर 3 मंथ आई सेड इट अप टू यू, आस्क द प्लेयर्स. सो दे सेड नो नो, यू वॉन्ट कोच. एंड इनफैक्ट आई थॉट दे विल गिव यू कोचिंग फॉर 1 ईयर, दे गेव मी फॉर 3 ईयर्स. सो 19 से नाउ आई एम देयर टिल 2021. बट माई दिस थिंग इज दैट आई हैव टू गेट देम इन टू अ वर्ल्ड कप क्वालिफायर फॉर T20, बिकॉज T20 2021 में इंडिया में है, बिकॉज दे आर नॉट क्वालिफाइड लास्ट टाइम. सो अभी वो क्वालिफायर राउंड अभी 2020 में होगा. सो माई एम इज दैट आई हैव टू गेट बैक टू इन टू दैट वर्ल्ड कप मोड नाउ. दैट इज अ चैलेंज, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड सक्सीड दैट. दैट इज माई पैशन. ग्रेट सर, ऑल द बेस्ट फॉर दैट. और एक क्वेश्चन था कि आप जब अफगानिस्तान को कोच थे, तभी अफगानिस्तान पहली बार वेस्ट इंडीज को हराया था, तो वो टाइम में आपका फीलिंग क्या? इसी मैंने वही कहा ना, देखो हम लोग का एक जुनून में मैंने पैदा किया, बोला कि आपको अगर टेस्ट प्लेइंग कंट्री लेना है तो आपको टीम को हराना चाहिए. और इनफैक्ट हम लोग वेस्ट इंडीज गए थे, वेस्ट इंडीज में वेस्ट इंडीज इज मोर फॉर्मिडेबल इन टू बीट देम. बट हमने कहा कि देखो उन लोग फास्ट बॉलर से आपको ट्राई करेंगे, बाउंसर डालने ये डालने, उन लोग स्पिनर को ज्यादा खेल नहीं सकते. आवर स्ट्रेंथ इज स्पिनिंग, सो मेक श्योर दैट वी, बट हमको बैटिंग करना है, और बैटिंग करने के लिए हमको शॉर्ट बॉल को अवॉइड करना है, बिकॉज उन लोग पेस से ज्यादा ही करेंगे, उनके पास स्पिनर इतना अच्छे नहीं है. हम लोग स्पिनर्स को अच्छे खेलते हैं, लेकिन मीडियम पेसर को खेलना आपका. तो हम लोग ने जाने के पहले हम एक 20 दिन का कैंप लिया, ओनली शॉर्ट बॉल प्रैक्टिस. बोले हर एक बैट्समैन आपको 50 बॉल शॉर्ट बॉल खेलना है, भले आप मार खाओ लगो, नो एक्सक्यूज, हेलमेट सब पहनो आप. बहुत लोगों ने ब्लू सर इधर लगा उधर लगा, नहीं नहीं, जिन्होंने टेस्ट प्लेयर बनना है कि नहीं बनना है चलो. तो और उन लोग एक था, मैं एक दाद देता हूं अफगानिस्तान का, उन लोग पैशनेट है ट्रेनिंग करने के लिए, उन लोग कभी ना नहीं करते. अगर मैं उसको बोलूं ना कि आज आपको 20 मिनट आधा घंटा भागना है, तो नहीं सर हम लोग आज 1 घंटा भागेंगे. उन लोग में ऐसा बोलता है, सर हमारे वहां क्रिकेट ही सब कुछ है. हमको उन लोग आधे लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनको जॉब नहीं है, और कुछ कुछ लोग तो यू वोंट बिलीव बिकॉज वो वॉर जोन है. वो हाथ गाड़ी होती है ना अपने, जैसा हाथ गाड़ी जो कोयला लेके आते हैं, कोलसा या ऐसा कुछ हाथ गाड़ी में सामान लेके आता है, जैसे अपने यहाँ यहाँ से सामान सपोज कबर्ड डाल लिया, वो हाथ गाड़ी में उधर एक घर से दूसरा घर भेजा, ऐसा काफी लोग ऐसे काम करते हैं. उसमें बोलता है कि सर हमको क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट से ही पैसा मिलता है, देन दे आर कॉन्ट्रैक्टेड विद अफगानिस्तान बोर्ड. तो बोलता है कि नहीं सर हमको बस मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत करेगा तो ही हमको अफगानिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, नहीं तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई. तो इसलिए उन लोग मेहनत से कभी नहीं लोग पीछे हटे, इसलिए उनमें जुनून है. बस उनको एक अच्छा ये करे कि ना बड़ा रन बनाने का ये करना चाहिए. और यू वोंट बिलीव, जब मैं लिया था उन लोग के पास एक जन भी 100 नहीं किया था. अच्छा. तो मैंने उसको बोला एक जन भी 100 नहीं किया था, लेकिन जब मैंने लिया 1-2-3 महीने के बाद, यू वोंट बिलीव, उनका कैप्टन असगर हुसैन है आयरलैंड का, हम लोग जो टेस्ट मैच खेल रहे थे 154, वो मोहम्मद शहजाद 130, फिर बाद में रहमत शाह 145, मतलब काफी 400-500 किए उन्होंने उस साल में. तो मैं बोला जैसा आप 100 करोगे उतना आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा और बाकी लोगों को भी ये होगा. तो वो एक आदत लगा दिया कि 100 करना, 40-50 के बाद विकेट रन नहीं फेंकना, तो लोग 50-60 करके विकेट फेंक देते थे ना. तो वो एक थोड़ा सा उनमें लाया कि विकेट बहुत वैल्यूबल होता है, आपके बॉलर को कोई विकेट देता नहीं ऐसा इजी डाले, तो उनको भी मेहनत करना पड़ता है, तो आप भी विकेट अपना इजीली मत देना. ओके सर, अभी थोड़ा क्वेश्चंस लेते हैं व्यूअर्स. आपको मैंने कहा था बीच में कि क्वेश्चंस अगर किसी को पूछना है तो कमेंट कर सकते हो. तो लेट्स सी, करण का क्वेश्चन है सर, प्रेशर सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए? देखो जब आप प्रेशर सिचुएशन,
जब आप ये गेम खेलने लेता है तो आपको सब कुछ चीज इजी नहीं मिलेगी. ओके, देयर विल बी हर्डल्स, देयर विल बी, जैसा बोलते हैं, रोड सीधा नहीं मिलेगा आपको, रोड बेंड होगा, स्पीड ब्रेकर आएगा, आपको उसमें से जाना पड़ेगा, तो हर्डल तो आएगा ही. तो हर्डल्स आएगा तो आपको मेंटली प्रिपेयर करना है कि मुझे कुछ चीजें इजी नहीं मिलने वाली. जैसे कि आप कोई एग्जाम में बैठते हैं, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी. तो सेम थिंग क्रिकेट में भी है. तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो आपको प्रिपरेशन अच्छा करना पड़ेगा. प्रिपरेशन कैसे, स्किल लेवल तो करते ही है, सबका बोलेगा टेक्निक अच्छा है. खाली स्किल लेवल से नहीं होगा, आपको मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए. और ये क्रिकेट है हायर लेवल में आपका, मैं हमेशा कहता हूं क्रिकेट इज प्लेड 9 inches अबव द शोल्डर. ये जो शोल्डर से ये ना, ये इस पार्ट में, अगर आपका माइंड स्टेबल है, आपका माइंड स्ट्रांग है, और अभी वर्ड सब यूज करते हैं मेंटल टफनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, ये तो ये सब इधर से आता है. तो वो कैसे स्ट्रांग करेंगे, कैसे, क्योंकि काफी प्लेयर लोग होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर विकेट ग्रीन टॉप है, सर ग्रीन टॉप विकेट है, बहुत स्विंग हो रहा है, कैसा खेलेगा. टर्निंग विकेट है, सर इतना बॉल घूम रहा है बैट में, कैसा खेलेगा. सो दैट मीन्स यू वॉन्ट एन ईजी वे गोइंग आउट. नो, आपको खेलना ही है, तो उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना है. नहीं, ग्रीन टॉप विकेट है तो भी मैं मार खाऊंगा, मैं इधर लूंगा ब्लोज उधर लूंगा, लेकिन मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं विकेट नहीं फेंकूंगा. ये दैट इज कॉल्ड योर मेंटल टफनेस. तो वो मेंटली कैसा, आपको प्रैक्टिस में भी करना है. क्योंकि आपने देखा होगा, आप भी अभी रणजी ट्रॉफी भी काफी खेले हैं दिलीप, काफी बैट्समैन लोग विकेट अगर खराब है नेट में तो बैटिंग नहीं करेंगे, नहीं लग जाएगा. नहीं, अगर मैच में खेलेगा तो अगर विकेट अगर खराब होगा तो आप बैटिंग नहीं करोगे. और आप जब 4 day या 5 day मैच खेलते हैं, कौन से 5वां दिन में अच्छी विकेट मिलती है, फिर यू वॉन्ट बिलीव. हम नेट प्रैक्टिस में भी खराब विकेट में, हम लोग तो रफ एरिया में उसमें बैटिंग करते थे, बॉलर को बोलता स्पिन बॉलर चलो मुझे बॉल डालो और यहाँ पे आउट करो, ताकि आपको यूज्ड हो रहा है. तो इसीलिए प्लेयर को इजी वे आउट नहीं जाना चाहिए, आपको डिफिकल्ट वे में करना है. जैसे कि अगर आपके पास बोलिंग मशीन है, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, आप नॉर्मली 20 yards, 22 yards से बोलिंग मशीन डालते हैं, नहीं, आप आगे आ जाओ या बोलिंग मशीन को आगे लाओ, या बोलिंग मशीन आगे नहीं आता अगर आप जो क्रीज में खड़े होते, नहीं, आप 4 steps आगे खड़े रहो, तो वही पेस आपको 18 yards से मिलेगा या 16 yards से खेलना पड़ेगा. तो अगर आप 16 yards से खेलोगे वो पेस को, तो अगर ग्राउंड पे अगर कोई 145 भी डालता है, इट बिकम इजी फॉर यू, isn't it? तो आपको प्रैक्टिस में ही टफ डिसीजन लेना है. तो प्रैक्टिस में ही आप ऐसा प्रैक्टिस करो कि मैच में ये सिचुएशन आएगा, इजी हो जाए. राइट. तो इसीलिए, क्योंकि बॉलर को आप बोलो, आप अगर बॉलर कोई फास्ट नहीं तेज नहीं डाल रहा है, बोलो आगे से डालो, नो प्रॉब्लम, और मुझे आउट निकाल के बताओ. तो आप प्रैक्टिस में भी उसको बोलना कि मुझे आउट लेके बताओ. तो आपका मेंटल प्रिपरेशन होता है कि मैं आउट नहीं होना, क्योंकि काफी दफा मैंने देखा है कि नेट में प्लेयर लोग आके पहले 5 मिनट ठीक खेलते हैं, बाद में मारने लगते हैं ऊपर नीचे. तो यू गेट इनटू दैट हैबिट ऑफ गेटिंग आउट आल्सो. तो आपको यस, आपको मारना है, लास्ट 5 मिनट करो, बोलो कि अभी अभी फील्ड स्प्रेड करो, अभी मैं सेट हो गया, अभी मैं तो भी मारना है तो भी आड़ा मत मारो, मारो कोई शॉट से लो जहां पे प्लेयर ने उसको बोलो फील्डर क्या है कहां पे. सो यू हैव टू मैच स्टिमुलेट, हम लोग बोलते हैं ना, वो स्टिमुलेट ऐसे प्रैक्टिस में भी करो. और I always believe it becomes a habit of getting out at 40-50 also rather than getting 100. So 100 मारने का भी practice करो, out नहीं होने का भी practice करो practice में, and then you become mentally strong that I will not give my wicket easily. So you value your wicket. So wicket के ऊपर पैसा रखो या ये रखो, you know, yeah. Very important point था ये. तो ये definitely सबको help करेगा. सर एक क्वेश्चन है राहुल का, सर अंडर 19 खेलने के लिए बहुत लोग एज कम करते हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपको? बिल्कुल नहीं, मैं तो पूरा खिलाफ हूँ. मैं तो मुंबई क्रिकेट सेक्रेटरी भी था, मैंने काफी लोगों को पकड़ा हूँ. आई थिंक यस यू विल बी अगेन, इट इज अ इजी वे आउट, क्योंकि आप एज कम करके अगर सब आप 20 साल के आप अंडर 19 के लोग खेलेंगे, या 21 साल के 2 साल कम करके, या फिर आप अंडर 19 हो आप अंडर 16 खेल रहे हो, वो 2 साल में बहुत फर्क पड़ता है. क्योंकि आप थोड़ा पावरफुल हो जाओगे, आप वो अंडर 16 में रन करोगे, आप वो एज के लिए करोगे, लेकिन जब आप थोड़े ऊपर आ जाओगे तो आप देन एक्सपोज हो जाओगे, बिकॉज आपको कोई टेस्ट नहीं किया ना अच्छा बोलिंग से. तो मुझे नहीं लगता है कि नहीं, बिकॉज यू हैव टू बी प्रॉपर, डोंट ट्राई टू फज योर एज, मेक श्योर दैट यू पुट मोर एफर्ट इन टू योर प्रैक्टिस ना. जैसे मैंने कहा कि अगर आप अंडर 19 खेलना चाहते हैं, आप अंडर 23 बॉलर्स के साथ बैटिंग करो, ताकि आपको अंडर 19 के बोले इजी हो जाएगा, है ना.
rather than going down under 19 okay under 16 kilo nahi mujhe I am totally against that and I think players should not and coaches should not also recommend because I have seen lot of coaches they try to push their wards you know and then they bolega mere academy ka bachcha under 19 khel raha hai because that's the biggest crime yeah so I have seen that so main to ye advocate nahi karunga aur coaches ko bhi kahunga ki please don't try to you know push your ward and do fudging with the age okay so next question shubham jaiswal ka question hai as a bowler fitness should be give more preference or focus on bowling both things go hand in hand it's again fast bowler or spinner you know both are having fast bowlers have to have more fitness but again fitness doesn't mean that you have to put lot of work in the gym you know aajkal wo dole shole banate hai na gym mein jaake karke wo sab you have to have fitness yes you got to strengthen your muscle but fitness is bowling fitness bowling fit that is important kyunki wo fast bowler hoga whether he can bowl 20 25 overs in a day because 90 over ka match hota hai for you know 4 day match mein agar 90 overs ek din mein dalna hota hai to agar fast bowler अगर 20-25 ओवर नहीं डालेंगे तो फिर वो टीम के लिए कोई फायदा ही नहीं है ना अगर वो 10 ओवर डाल के बोलेगा मेरा हैमस्ट्रिंग गया मेरा कमर गया तो इट्स नो यूज सो यू हैव टू बी मैच फिट ओके फिटनेस आल्सो बिकॉज यू हैव टू डू लॉट ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज एनारोबिक आल्सो बोथ डू हैंड इन हैंड बिकॉज आपको स्टेमिना चाहिए टू बोल लॉन्ग आवर्स स्पिनर्स के लिए भी यही है स्टेमिना क्योंकि स्पिनर्स आजकल स्पिनर लोग 40-40 ओवर डालते हैं एक दिन में तो यू हैव टू बी फिट नहीं तो क्या होता है फास्ट बॉलर का मैंने काफी देखा है वो पहले 5-7 और अच्छा डालता है बिकॉज ही इज नॉट फुल्ली फिट देन वॉट ही बिकम सेकेंड स्पेल वो थोड़ा ठीक डालेगा थर्ड स्पेल तो लेग ही नहीं होता है फिर तो थर्ड स्पेल में वो उसका बॉल पहुंचता नहीं है तो ऐसे बॉलर दैट मीन्स ही समवेयर लैकिंग ऑन हिज फिटनेस और बोलिंग फिटनेस एज वेल तो फिटनेस करना भी जरूरी है बट यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल लेवल एज वेल बिकॉज एज ए बॉलर से फॉर स्पिनर यू हैव टू बोल लाइन एंड लेंथ से फॉर स्पिनर टप्पा वेरी इंपॉर्टेंट स्पिनर स्पिनिंग द बॉल वेरी इंपॉर्टेंट तो ये सब चीजें है ना तो आपको करना है कि बोलिंग करके खाली मैं तेज तेज डालूंगा स्पिनर आके तेज तेज डालेगा नहीं आपको स्पिन करने को आना चाहिए आपको वेरिएशन भी आना चाहिए फॉर फास्ट बोलर आई हैव टू बोल यॉर्कर्स आई हैव टू बोल बाउंसर्स ये सब काफी चीजें है विच यू एज अ बोलर यू हैव टू वर्क हार्ड सो बोथ गो हैंड इन हैंड बट यू कैनॉट नेग्लेक्ट फिटनेस एंड यू कैनॉट नेग्लेक्ट इवन बोलिंग एज वेल Right. So next question, sir ji, how to judge line and length? Shubham Jadhav. Mm-hmm. How to judge? Judge line and length. As a batsman. Yes. Okay. Batsman, आपको पता है तीन stump अपन लोग leg stump guard लेते हैं. Okay. So you know leg stump, middle stump, and off stump. कोई कोई लोग leg and middle लेते हैं. So then you know your off. So, आपको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है ऑफ स्टंप की उधर से ओके जब आपको पता है कि ये लाइन ऑफ स्टंप के बाहर है एंड देन व्हेन अ बैट्समैन हैज गॉट हिज ओन रीच मैं सपोज क्रीज के वहां खड़ा हूं यू नो बैटिंग क्रीज के वहां उसके बाद मेरा फॉरवर्ड स्ट्रेच कितना होता है वो एक आप टेंटेटिवली ये कर लो यू नो इट शुड बी इन मेंटल कि ये मेरा है उसके बाद आपको पता है कि ये मेरा गुड लेंथ है ये मेरा लाइन लेंथ है ये लेंथ का अगर आगे गिरा तो मैं ड्राइव करूंगा ये लेंथ के उधर गिरा तो मैं डिफेंड करूंगा और शॉर्ट होगा तो देन आई प्ले सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस एंड इवन इन द नेट्स अगेन आई कम टू द नेट्स नेट्स में आपको एक लाइन ड्रॉ कर लो बोलो कि ये लाइन के अदर है दिस इज माय हाफ एंड दिस इज द बोलर्स हाफ सो यू प्ले वेल इन योर हाफ बिकॉज बोलर्स को कभी कभी बोलते ना हम लोग बोलते थे बोल कभी कभी कोई बोलर एक होता है ना ऐसा थोड़ा तगड़ा बोलेगा साला मार नहीं रहा है यू नो ही विल कम एंड टेल यू क्या डिफेंस छोड़ रहा है तो उसको बोलना बोल इन माय हाफ तुम तुम्हारा हाफ में डाले तो राजा है वो शॉट डालेगा वो सर के ऊपर थोड़ी मैं मारूंगा बोल इन माय हाफ एंड देन आई विल शो यू व्हाट एंड देन द मोमेंट ही बोल्स अप यू गिव हिम अ कॉर्ड एंड यू टेल हिम दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू बोल इन माय हाफ सो दिस इज माय हाफ सो यू गॉट टू जज योर ओन हाफ एवरी बैट्समैन विल हैव डिफरेंट दिस थिंग कोई शॉर्ट है कोई लॉन्ग है तो उसके हिसाब से वो लेंथ ये होगा ग्रेट ग्रेट सबको बताना चाहूं कि एक बार राजू सुतर हमारे सिलेक्टर थे मुंबई टीम के और एमपी में मैच था तो वो मैच में मैंने 100 किए थे और स्विमिंग ट्रैक था तो सर मुझे बोले थे कि मैंने अब तक सिर्फ दो ही बैट्समैन को देखा है जो अच्छा बॉल छोड़ते एक है तू और दूसरे है लालू सर तो दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन है तो आपको मतलब आप क्या प्रैक्टिस करते हो मतलब मैंने
अलग टाइप की प्रैक्टिस की है बॉल छोड़ने के लिए कि लोग छोड़ने की प्रैक्टिस नहीं करते। हाँ नहीं करते। आपने क्या प्रैक्टिस किया था? सर मैं एक्चुअली मेरे इधर क्या वो थोड़ा बॉक्स रहता था और वहां पे हमें टेनिस बॉल या रबर बॉल से अलाउड नहीं था क्योंकि दूसरे साइड में चौल रहती थी, ये साइड में बिल्डिंग रहता था, दोनों के बीच में ग्राउंड था, तो बॉल हमेशा वो चौल में जाते थे, तो टेनिस बॉल और रबर बॉल अलाउड नहीं था, तो हमने प्लास्टिक बॉल से प्रैक्टिस चालू किया था। तो प्रैक्टिस बॉल और कैसा था, मैं प्रॉपर अच्छा मुंबई के लिए एज ग्रुप खेल रही था वो टाइम पे, तो मेरा दोस्त भी एक नॉर्मल ठीक ठाक क्रिकेट खेलता था, वो मुझे बॉलिंग करता था और आउट होने का चांसेस कम था उसमें, बड़ा स्टंप था पर मैं आउट नहीं होता था, तो मैंने नया रूल बनाया कि तीन बार बीट हो गया तो आउट, तब से वो भी स्विंग बॉलिंग करने लगा और मेरा मैं मीडियम पेस भी डालता था तो उसमें मेरा स्विंग बॉलिंग भी सुधर गया था, तो वो उसमें बीट हो तीन बार बीट होके आउट हो जाओगे तो उसके उसके लिए मैंने छोड़ना अच्छा मेरा इम्प्रूव हो गया। तो प्लास्टिक बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोस हु वांट टू लीव द बॉल और दोस हु वांट टू प्ले न्यू बॉल। तो आपका क्या थियरी है? नहीं बरोबर है, वैसे ही पहले हमारे वहां तो तभी तो प्लास्टिक बॉल नहीं थे, हम लोग पहले रबर बॉल से खेलते थे और बॉल गीला करते थे यू नो, और जैसा कि हम मुझे मैंने कहा कि ये मेरा ऑफ स्टंप है और बॉलर को मैं कहता था कि थोड़ा नजदीक से डालना और वो स्कीड भी होता था यू नो बरसात में बॉल गीला करके और सीमेंट के ऊपर उनको, और जैसे आपने कहा कि अगर ये बॉक्स के उधर गिरा तो मैं छोड़ूंगा बॉल, तो मैं वो चैलेंज करता था कि मुझे कोई बीट करके बताओ यू नो, तो मेरा प्रैक्टिस इतना था। और दूसरा था हम लोग तभी टेबल टेनिस बॉल लेते थे, वो तो हवा में ही होता है तो वो शॉर्ट डिस्टेंस 8-10 yards, हाँ तो 10 yards से वो ऐसा थ्रो करना जोर से और वो कभी अंदर आता था कभी बाहर जाता, तो यू जस्ट फॉलो द पाथ ऑफ दैट बॉल यू नो, तो जब वो पाथ है तो पता चल रहा है कि वो थोड़ा कर्व ले रहा था, देन यू लीव इट यू नो, और जब अंदर आया सो देन यू हैड टू ट्राई एंड वॉच द बॉल टिल द लास्ट। सो क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉल, जैसा अपन कहते हैं ना कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसा है ही है, अगर आप बॉल से नजर हटाए तो आप आउट हो जाओगे नो, या यू विल प्ले अ बैड शॉट, सो वॉचिंग द बॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोइंग योर ऑफ स्टंप दैट इज द सेकेंडरी थिंग, बिकॉज ऑफ स्टंप आपको पता होना चाहिए कि मेरा ऑफ स्टंप किधर है, अगर मैं ऑफ स्टंप का बाहर का बॉल खेलता हूं तो दैट मीन्स आई डोंट नो माई ऑफ स्टंप। तो मैंने काफी, जैसे आपने कहा, मैं भी काफी बॉलर लोग दिन भर वो ऐसा आ करते थे तो शाम को बोलता था आ करके थक गए होंगे आप, तो बोलता है कि नहीं मुझे लगा अभी आउट हो जाएगा इतना छोड़ा है ना, बिकॉज़ आई न्यू माय ऑफ स्टंप वेयर माय ऑफ स्टंप वाज यू नो, सो दैट इज गुड प्रैक्टिस। बताओ कि वही मैच में, मतलब उसके पहले वाले सीजन में एमपी के साथ ही मैच था, सेम ग्राउंड अगेंस्ट सेमिंग विकेट, और तभी भी मैंने 161 किए थे, तभी अपने मिलिंद रेगे सर कमेंटेटर थे, तो मेरा छोड़ने का स्टाइल था, जब बॉल पास में रहता तो मैं बैट ऐसे लेके जाता हूँ और वो अगर बाहर जाएगा तो वो टाइम में उधर ही रोक देता हूँ बैट, तो उनको वो टाइम में लगता था कि मैं बीट हो रहा हूँ, मतलब तभी मेरे को थोड़ा सा रैश बोल रहे थे कि क्या कर रहा है, इसको जम रहा नहीं है, ऐसा ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, मैं तो मैच खेल रहा था, मुझे सब लोग बोले कि स्टार्टिंग में ऐसे बोले, बाद में उनको पता चला कि मेरा टेक्निक ही वैसे छोड़ने, अगर पास आएगा तो मैं बैट लेके जाता हूँ, मैं छोड़ देता, तो एक वो एक मेरा स्टोरी था, मतलब सामने वाले को मालूम नहीं पड़ता, इवन एमपी प्लेयर्स भी बहुत चिल्ला कर रहे थे पर उनको भी मालूम नहीं था, तो तभी से वो नया टेक्निक आया, मतलब मैंने कभी किसी को देखा नहीं था, तो मैंने मेरे बैटिंग के बाद बहुत लोग को देखा कि वो लोग ऐसा के करने लगे, तो एक अच्छा भी लगता है कि कोई आपको फॉलो कर रहे, मतलब ये टेक्निक सबको पसंद आ गई, तो एक अच्छा न्यूज है। नहीं अच्छा है, दैट्स गुड थिंग, बिकॉज दैट्स व्हाई एज अ बैट्समैन यू हैव टू इन्वेंट योर ओन थिंग्स, कि व्हाट इज कंफर्टेबल टू यू यू नो, कि आपको जो कंफर्टेबल है वो लेना है, ऐसा नहीं कि दूसरे किससे कॉपी करना है क्या है नो, राइट। सुमित सिरसर का क्वेश्चन है, हाउ इज रशीद खान एज ए पर्सन एंड ए प्लेयर? प्लेयर इज ट्रिमेंडस ब्रिलियंट, आई थिंक आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड नाउ T20, और एज अ पर्सन ऑल्सो वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, उन लोग अफगानिस्तान प्लेयर्स काफी प्लेयर्स लोग काफी अच्छे हैं बिकॉज दे हैव कम फ्रॉम अ वेरी यू नो वॉर जोन कंट्री, सो उन लोग काफी हम्बल होते हैं और काफी अच्छे भी हैं और हेल्पफुल भी हैं उन लोग, और आई थिंक ही इज नाउ अ रोल मॉडल फॉर ऑल अदर क्रिकेटर्स इन अफगानिस्तान। उसके बाद अभी काफी मुजीब अच्छा बॉलर निकला है, फिर नबी एक अच्छा ऑलराउंडर है, अभी और एक नया लेग स्पिनर आ रहा है उनके वहां, वो भी मेरा अंडर 19 में जब मैं था तभी, ओएस करके है, ओएस ओएस का नाम याद रखना, वो भी एक अच्छा प्लेयर है, वो भी आएगा। हाँ ओएस ग्रेट। सर सकलेन का क्वेश्चन है, हाउ टू वर्क
ऑन स्टिलनेस ऑफ हेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने कहा था, मैं हमेशा लोगों कहता हूँ अगर आपके पास कैमरा जैसा आप फोटो लेने जाते हैं, अगर वो कैमरा हिल गया तो फोटो कैसा आएगा? ब्लर आएगा। तो इसीलिए हेड स्टिल रहना बहुत जरूरी है, और हेड से ही आपका आईज, मेन थिंग यू पिक द बॉल फ्रॉम योर आईज, आईज विल पास द मैसेज टू द ब्रेन एंड देन इट गोज डाउन टू योर फुटवर्क। सो हेड स्टिल रहना बहुत जरूरी है, इसलिए लोग कहते हैं ना कि ही पिक्स द बॉल अर्ली। हाउ ही पिक्स द बॉल? बिकॉज हिज हेड इज स्टिल, बिकॉज हिज आईज आर स्टिल, सो ही इज पिकिंग अप द बॉल अर्ली। सो हेड स्टिल हिलना नहीं, क्योंकि मैंने काफी बैट्समैन को देखा जब बैकलीड ऊपर करते हैं ना ऐसा, तो ऐसे ऐसे हिलाते हैं ना। नो, इट इज जस्ट फ्रॉम द एल्बोज, यू हैव टू लिफ्ट इट फ्रॉम द एल्बोज, नॉट फ्रॉम होल अपर बॉडी। तो कीपिंग द हेड स्टिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए तो कुछ ड्रिल है, बट यू एक ड्रिल है जैसा कि हम लोग बॉल यहाँ पे रखते हैं ऐसा बैटिंग के समय, तो दो कि अगर ये हिल गया तो एक बॉल गिर जाएगा, तो मेक श्योर दैट यू डोंट, या सो यू डोंट कीप योर हेड मूविंग ऑल द टाइम, बट कीपिंग योर हेड स्टिल इज द की फॉर एनी बैट्समैन। अनिकेत कारंगुटकर का क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एडवाइस टू द अपकमिंग कोचेस? यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो क्वेश्चन। आई थिंक यू नो कोचेस प्लीज, मेरा तो एक ये है कि प्लीज आपका ईगो मत लाना, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा काफी कोचेस लोग का ईगो होता है कि नहीं मैं जो जैसा बोलूंगा वैसा खेलना चाहिए। किसी को कंपेल मत करो कि आपने अब खेला हुआ तो आपके जैसा वो खेले नहीं, या आप जैसा चाहते हैं कि वैसा खेले वो भी नहीं हो सकता है। हर एक प्लेयर का स्टाइल अलग होता है, उस स्टाइल में आप उसको कैसे अच्छा परफॉर्मेंस करना है, दैट इज एज अ कोच। अभी मैं कहता हूं यू डोंट मेक प्लेयर्स, कोच विल ओनली एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स, यू नो। सो आप उसका परफॉर्मेंस कैसे एनहेंस करने का वो आप सोचो। अगर वो 50% पे कर रहा है तो 50% से 60% ले जाओ, 60 से 70% ले जाओ, 70 से 80%, लेकिन 50 से डायरेक्ट 100% कोई ला नहीं सकता है, और होगा भी नहीं। सो यू हैव टू ट्राई एंड इंक्रीज 10-15% इंक्रीज इन एवरी ईयर और एवरी 6 months, यू नो। अगर वो हो जाएगा तो यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। एंड प्लीज एज कोचेस डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द प्लेयर, दिस इज माई पर्सनल थिंग, बिकॉज अगर कोचेस ऐसा एक्सपेक्ट करते तो देन दे फील बैड, करे मैंने इसको इतना कोचिंग कराया। प्लेयर शुड रिस्पेक्ट यू, ही शुड यू नो टॉक अबाउट यू, सो यू डू गुड थिंग्स दैट ही टॉक्स अबाउट यू, यू नो, बट यू डोंट से कि नहीं मैंने किया इसलिए वो बोलना नहीं चाहिए। सो यू डू योर जॉब बिकॉज यू आर अ टीचर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर कोई टीचर स्कूल में आपको क्लासेस में पढ़ाती है, वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करती उसका आप नाम लो करके, है ना, कि आप अगर फर्स्ट आए तो आप सब बोलते हैं कि मेरे टीचर्स को, क्योंकि आप अच्छा किया तो ना ऑटोमेटिकली लेंगे। तो ऐसा आप कुछ काम करो ताकि प्लेयर लोग आपका नाम ले, लेकिन आप नहीं लेना चाहिए। नॉर्मली बहुत होता है कि सबके फेस में, मतलब स्कूल में, कॉलेज में, या फिर मुंबई के स्टेट टीम में भी कोचेस चेंज होते रहते हैं, तो सबका एक थियरी थोड़ा अलग अलग रहता है, तो सब बोलते हैं कि मैंने कहा वही करना है, तो उसके लिए आपको क्या बोलना है? कि मैंने भी देखा, खुद देखा है कि हर एज ग्रुप में सबका कोचिंग स्टाइल अलग रहता है थोड़ा। मतलब बेसिक तो सेम रहते हैं, फिर बैकलिफ्ट कोई बोलता है लेट आना चाहिए, कोई बोलता है ऐसे बैट लेके रखो, तो सबका अलग अलग थियरी रहता है। तो उसके रिगार्डिंग प्लेयर्स एज अ प्लेयर, मतलब प्लेयर को समझता कंफ्यूज हो जाते कि क्या करना है, अभी ये करूं वो करूं। या इसीलिए इसके लिए मैंने जब एनसी में था, हमने स्टैंडर्डाइज कोचिंग करने के लिए सब कोचेस के लिए करते हैं कि सब कोचेस एक ही लाइन में स्पीक करें, है ना। तो वही है कि आप अलग अलग कोच का आप सुनेंगे तो आपका बैटिंग जीरो हो जाएगा। सो व्हाट सूट्स यू, दैट इज इंपॉर्टेंट, उस पर आप ध्यान देना चाहिए। कि हर एक कोच तो बोलेगा, तो आप वो ट्राई करो नेट में कि मुझे लगता है कि सर ये मुझे सूट नहीं हो रहा है, तो देन ही हैज टू गिव अदर ऑप्शन। जैसे आप ये आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपका सर दर्द दे रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको क्या करता है, एक मेडिसिन पहला देगा, पैरासिटामोल देगा। तो हाँ, तो पैरासिटामोल देखिए, अगर आपको ठीक नहीं हुआ तो फिर आपको 2 दिन के बाद वापस जाते हो कि नहीं, सर आपने गोली दिया मुझे ठीक नहीं और भी दुख रहा है, तो फिर देन ही गिव्स अ बेटर सेकंड डोसेज, यू नो, उससे आपको ठीक होता है। इसी तरह कोचिंग में भी यही है कि आप फर्स्ट टाइम में, इट्स ऑलवेज ट्रायल एंड एरर बोलते हैं हम लोग, यू नो। तो आप अभी मेरा एक्सपीरियंस के साथ मैं फट से पिकअप कर सकता हूं कि इसमें क्या गलती हो रही है, अगर इसको ये देगा तो ये करेक्ट हो जाएगा, लेकिन काफी कोचेस नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसको ट्रायल एरर होते हैं, तो डेफिनेटली एक एक चीज नहीं सूट होता तो दूसरा चीज, लेकिन यही करो करके बोलना, यही मैं कहूंगा कि तो प्लेयर लोग को भी, प्लेयर्स भी
डोंट बी टू रिजिड कि अगर वो ट्राई करो, अगर कोच उसको बोलता है तो उसने कोच ने कुछ देखा होगा इसलिए वो ट्राई करो, अगर वो सूट नहीं होता है तो कोच से बात करो, सर ये मुझे सूट नहीं हो रहा है, मुझे और कुछ ऑप्शन बताओ, लेकिन वही सूट नहीं हो रहा है फिर आप वही ट्राई कर रहे हो तो आप आपके बैटिंग खराब कर रहे हो ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजन होता है, किसी को समझता नहीं कि नॉर्मली दो कोचेस के बीच में प्लेयर्स अटक जाते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप ट्राई करो, अगर आपको नहीं लगता है अच्छा तो एक बार आप शेयर कर सकते हो कोचेस, शेयर करके. और मैंने देखा इंटरनेशनल टीम में भी ऐसा होता है ना काफी, जैसे अभी हम जिम्बाब्वे में है कि कोच नहीं समझे, लास्ट टाइम कोच बोला था कि ऐसा खेलने वाला, दैट्स ओके, इट्स सूटिंग यू, यू ट्राई इट, इफ इट्स नॉट सूटिंग यू देन यू आस्क मी, देन आई विल गिव अदर ऑप्शन, है ना. तो वी डोंट वांट टू कम अक्रॉस कि आप एक कुछ चीज से ट्राई कर रहे हो, अगर वो सूट हो रहा है तो वेरी गुड. सी एट द एंड क्या है प्लेयर को, एज अ कोच व्हाट यू वांट अ प्लेयर टू परफॉर्म, इजंट इट, इफ इट सूट्स दैट थिंग एंड इफ ही परफॉर्म माय जॉब इज डन, नो. तो इसीलिए कोचेस को वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे इसका परफॉर्मेंस एनहेंस करना है. ऐसे कैसे करेंगे, कोई बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका परफॉर्मेंस वीडियो एनालिस्ट से भी एनहेंस हो सकता है कि वो बोल सकता है वीडियो एनालिस्ट के साथ बैठ के कि क्या लग रहा है मुझे, ये लग रहा है देखो आपका बैट इधर से आ रहा है थोड़ा सा, विच द कोच माइट नॉट हैव नोटिस्ड इट, समटाइम्स ऐसा होता है ना. तो या इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट डोंट बी टू रिजिड कि नहीं ऐसे ही खेलना है, ऐसे ही होना है, नो नो, that will never work, you know, it might work to out of 100 people one people will come out like that. Okay, so last question Santosh Safe ka hai, how to work with experienced players as a coach? Experienced player as a coach or as a player? एज ए कोच, मतलब आपके सामने अगर समझो सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली जब भी थे तो वो टाइम में एक्सपीरियंस आपका. या अभी देखो कैसा है, ये प्लेयर लोग बिग प्लेयर्स है, इनको आप वहां पे नेशनल टीम में आप उसको कवर ड्राइव नहीं सिखाओगे, आप उसको बैकलिफ्ट नहीं सिखाओगे, यू नो. वहां पे है मैन मैनेजमेंट, जैसे कि मेंटली, क्योंकि ये प्लेयर इतना खेल के आए हैं, कभी कभी अननोइंगली दे छोटा सा मिस्टेक करें, जैसे कि कभी कभी इनिशियल मूवमेंट आगे का मूवमेंट होता है, अभी ये कभी कभी पीछे ले जाते हैं ना, या पीछे जाते होंगे लेग स्टंप पे जाते होंगे, ये कभी भी यू नो ऑफ मिडिल स्टंप पे नहीं आता होगा, तो छोटे छोटे ये ना कभी कभी फ्रंट फुट बहुत अक्रॉस चला जाता होगा, यू नो. तो इससे कैसा उनके इनकमिंग बॉल में प्रॉब्लम होता होगा, या यू नो, तो ये छोटी चीजें है ना, उनके पास बैठो वन टू वन, वीडियो बताओ, पहले उनको बोलो देखो आपका बैटिंग क्या लगता है, देन दे विल ओनली मेक आउट, अरे सर मेरा पांव तो अक्रॉस जा रहा है, बोला यस, जब तेरा पांव अक्रॉस जा रहा है तो इनकमिंग बॉल को प्रॉब्लम होगा ही होगा, तो नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन, मैं पांव अक्रॉस नहीं लूंगा, तो योर जॉब इज डन इजियर. सो उनसे अकेला, क्योंकि ये प्लेयर लोग थोड़ा बिग प्लेयर होते ना, इगोइस्टिक भी होते, तो उनको सबके सामने बात करना अच्छा लगता, तो उनको मैन मैनेजमेंट कहते हैं कि यू टॉक टू हिम वन टू वन एंड गिव ऑप्शंस, गिव ऑप्शंस, अगेन डोंट से दैट यू डू दिस, गिव ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शन दो तीन होना चाहिए, एक ही ऑप्शन से नहीं होगा. ओके, सो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में सब प्लेयर्स एक कोचिंग कोर्स करते हैं, मतलब बेसिक कोचिंग कोर्स कंपलसरी रहता है, अगर वैसे इंडिया में हो जाए बेसिकली फर्स्ट क्लास प्लेयर्स के लिए, तो आपको क्या लगता है? आई थिंक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लेयर विल बी मच बेटर, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, क्योंकि जब क्या होता है, आपने भी देखा होगा जब प्लेयर रन करते हैं, अभी जैसा तू अभी रन कर रहा है, अगर तेरे को मैं बोलूंगा कि नहीं यार तेरा बैट, बोला अरे मैं कल 200-300 किया, मुझे बोल रहा है कोच यार कि नहीं, लेकिन वो कोच अच्छे बोलिंग के अगेंस्ट के लिए बोल रहा होगा, बिकॉज ही आई लाइक प्लेयर नॉट टू परफॉर्म इन दैट लेवल, आई वॉन्ट देम टू परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल, हाउ यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल. या तो रणजी ट्रॉफी में बोला थोड़ा मीडियो के आते हैं, नेक्स्ट लेवल दिल्ली ट्रॉफी में अच्छे बोलाते हैं, और इंडियन टीम में और भी अच्छे आते हैं, तो ये बैट्समैन नहीं, ये टेक्निक से ये ऊपर नहीं चलेगा, तो मैं अगर उसको अभी ठीक करूं तो ही कैन बिकम अ बेटर प्लेयर. तो वो लेना प्लेयर को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने काफी प्लेयर देखे हैं कि वो दे डोंट टेक इट, बोलता है मैं रन कर रहा हूं, मुझे कोच बोल रहे हैं कि क्या कोच को समझता है, ऐसे काफी प्लेयर बोले हैं, मैं सुना भी हूं, मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे साथ हो तो मैं लगा देता हूं. तो एक्सपीरियंस के साथ में बोल रहा हूं कि काफी कोच आके मुझे कंप्लेन करते हैं, सर मी बोल लो तो ना करते ना सर, तो दैट इज रॉन्ग, बट अगेन वन टू वन उससे बैठ के बात करो, बात करो, उसको कन्विंस करने का पावर होना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है, देखो ये वीडियो है, आजकल तो वीडियो है सब एंगल से मिलता है यार, आप उसको बताओ वो खुद ही बोल लेगा नहीं यार यस मेरा ये बैट गली से आ रहा है या थर्ड क्लिप से आ रहा है या फाइन लेग से आ रहा है या मेरा इनिशियल मूवमेंट ठीक नहीं है, मैं इनिशियल कमिटमेंट कर रहा हूं, या फिर मेरा
यू नो शोल्डर ठीक नहीं जा रहा है, मेरा फ्रंट शोल्डर इज लुकिंग टुवर्ड्स मिड ऑन और मिड ऑफ, जो भी है यू नो माइनर थिंग, बिकॉज बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो. अगर आपका सेटअप अच्छा है तो आप सब ठीक हो. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मीडियोकर बोलिंग या अच्छा पाटा विकेट पे आप सर्वाइव हो जा सकते हैं, नो आप रन कर लेते हो, तो वो रन कॉन्फिडेंस यस दैट इज गुड फॉर कॉन्फिडेंस बट नॉट गुड टू सर्वाइव फॉर हायर ग्रेड यू नो. सो दैट इज वाई देन यू सिट डाउन एंड से आप उसको बता सकते हैं. मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे कि इवन अफगानिस्तान मेरे को बोलता था कि आप एसोसिएट कंट्रीज के ठीक आप रन कर लोगे, लेकिन क्या होगा जब इंडिया आपको आएगा, आप 100 भी नहीं बनाते, वही हो गया इंडिया के साथ टेस्ट मैच खेले उन लोग एक सवा दिन में 2 बार आउट हो गए. बिकॉज यू नो दैट्स वाई यू हैव टू यू नो बिल्ड दैट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस विद द प्लेयर्स कि यस कि मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा करो, तो फिर प्लेयर भी यू नो बिकम मोर ट्रस्ट वर्दी विद यू. सो दैट्स वाई कैप्टन प्लेयर एंड कोच हैव टू सिंक्रोनाइज वेल एंड हैव टू हैव अ गुड ट्रस्ट बिटवीन देम. सर तो आपको क्या लगता है कि जो भी रणजी ट्रॉफी खेलते हैं उसको मिनिमम लेवल बीसीसीआई लेवल 1 कंपलसरी होना चाहिए? करना ही चाहिए, करना चाहिए. आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड विद दिस लेवल 2 और 3 यू कैन नॉट बिकम अ कोच. रिकी पॉन्टिंग को पहला कोच बना रहे थे लेकिन ही वाज नॉट क्वालिफाइड सो ही कुड नॉट मेक देन ही डिड लेवल 3. सब लोग बैठते अपने वहां ऐसा नहीं है, अपने वहां बड़े प्लेयर होगा तो उनको कोच बना देते हैं, दैट इज नॉट राइट. कोचिंग इज डिफरेंट, प्लेइंग इज डिफरेंट यू नो. तो और क्या होता है प्लेयर का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है, देन यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. आपने भी कोचिंग किया, आपको लगा होगा यार मुझे कोई तभी बताता तो मुझे अच्छा लगता था, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व कोचिंग. जैसे कि आप कैसे देखते हैं, क्या नजरिया, जैसा बायो मैकेनिकली कैसा आपका बॉडी मूवमेंट होना चाहिए, कोई चीज के लिए कैसा होना चाहिए, तो मेरा फुटवर्क कैसा होना चाहिए, अगर ये होगा तो मेरा बेस सेटअप में कैसा खराब होगा. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स बट दैट इज फॉर योर सेल्फ, यू कैन नॉट. अभी मैं एज अ कोच आई कैन नॉट टॉक टू अ प्लेयर लाइक बायोमैकेनिकल, नहीं नहीं नहीं. तो इसीलिए प्लेयर कोच शुड नो वॉट टू टॉक वॉट नॉट टू टॉक एंड हाउ वॉट टू गिव दैट नॉलेज टू द प्लेयर एंड हाउ बेस्ट आई कैन टेक आउट फ्रॉम द प्लेयर. सो प्लेयर्स अगर भी लेवल 1 लेवल 2 भी हो गए तो मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छा, क्योंकि उनकी उनका वो करियर और लंबा कर सकते हैं, ज्यादा लंबा कर सकते हैं. क्योंकि अगर हाँ अगर उनको पता चल गया कि नहीं यार मैं खेलता था मुझे कोई नहीं, तो देन ही बिकम्स हिज ओन कोच. एंड अकॉर्डिंग टू मी मैं हर प्लेयर को बोलता हूँ यू आर द बेस्ट कोच ऑफ योर ओन सेल्फ यू नो. यस वी आर देयर टू गिव यू इनपुट्स बट यू आर द बेस्ट कोच. हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हु इज द बेस्ट कोच, तो सब लोग प्लेयर बोलते हैं सर मेरा बेस्ट कोच वो था ये था. यू आर सेल्फ द बेस्ट कोच ऑफ योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट कोच. या सर मैंने भी मतलब नॉर्मली जब भी गैप मिलता था तभी इधर एमसीए का लेवल वो कोर्स किया था, तो वो कंपलसरी नहीं था रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स को. ओके तभी मतलब जरूरी नहीं कि आप रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो मतलब आपको सब पता है टेक्निकली, आपको कोई कोई चीज मालूम नहीं रहते. तब भी मैंने भी एक दो तीन पॉइंट ऐसे सीखे मतलब जो मेरे खुद के बैटिंग में इम्प्रूव हो गए, उसमें जो शॉर्ट्स मैंने देखे मैं करता ही नहीं हूँ. तो नानावटी सर थे वो टाइम में हम लोग कोचिंग कोर्स में, बाद में ईसीबी लेवल 2 तो वहां पे इंग्लैंड में कंपलसरी करना पड़ता, तो वहां पे भी थोड़ा कोचिंग स्टाइल थोड़ा अलग है. नॉर्मली इंडियन स्टाइल थोड़ा डायरेक्ट स्किल से स्टार्ट होता है, वहां पे पहले सेफ्टी स्किल्स बाद में, टोटली डिफरेंट. तो आपको एक अलग अलग स्टाइल के कोचिंग स्टाइल भी मालूम पड़ता है और आपका क्रिकेट गेम भी इम्प्रूव हो जाता है. तो आप सामने वाले को भी बता सकते हो और आपका खुद का क्रिकेट भी इम्प्रूव होता है. इम्प्रूव हो सकता है जरूर, परफेक्ट आपने जो बोला. या ओके सर, थैंक्स सर फॉर कमिंग. नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम. My pleasure. It was a great pleasure for me and all the viewers that आप जैसे बड़े कोच हमारे यहाँ पे आए और सबने क्वेश्चन का आपने एक अच्छे से सब जवाब दिया. और एक थैंक यू वेरी मच, नो प्रॉब्लम. सब सबको बता दूं कि सर मुझे अंडर 19 के टाइम मेरे बीसीसीआई बैटिंग कैंप के भी कोच थे, तो वहां भी मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ था, मेरा बैलेंस इंप्रूव हुआ था वो टाइम में. तो थैंक्स फॉर दैट ऑल्सो, बिकॉज एवरी कोच आपके क्रिकेट के पार्ट में बहुत हेल्प करते हैं. तो सब कोचेस के पार्ट में आपको हेल्प करते जाते हैं, तो उसमें एक लालू सर भी है मेरे. और फिर से अगेन थैंक यू सर फॉर कमिंग. होप आगे आप वापस से इंडिया के कोच बने और हम सब आपको लाइव वर्ल्ड कप लेते हुए देखे. थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर, थैंक यू.